आप जिनको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरे आगे आगे चल रहे हैं एंड मैं इनको बेसिकली काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ। ये है राहुल चौधरी, इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट एंड दिस इज वी आर क्रॉसिंग बाराखंबा। हम लोग मंडी हाउस की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम कनॉट प्लेस टू मंडी हाउस, और हम बाराखंबा पे हैं हम। और मैं राहुल चौधरी के पीछे जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि उनका इंटरव्यू ले सकूँ। सो लेट सी, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे ही मौके पे मैं आर्टिस्टों को पकड़ लेता हूँ और इंटरव्यू लेता हूँ। सो आई नो हिम सिंस 2005-2007। सो लेट्स टॉक टू राहुल चौधरी। या हाय राहुल, टुडे वी विल बी टॉकिंग टू राहुल चौधरी, जो हमें मिल चुके हैं बाराखंबा में। मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वो चल के आ रहे थे, रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने उनको यहाँ पकड़ लिया है। राहुल, आई विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस, एटलीस्ट 10 or 15 of them। आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी तरह से उनको आंसर दीजिएगा। व्हाई यू वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट? आई नो यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, यू आर एक्चुअली वर्किंग, ये नहीं कि टाइम पास हो रहा है। एंड आई नो यू फॉर पास्ट मोर देन आई सपोज फॉर 10 years, 10 साल हो चुके हैं। मंडी हाउस के आसपास हम लोग मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। तो व्हाई डू वांट टू बी एन आर्टिस्ट? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी एन आर्टिस्ट? कुछ और बन जाते? एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज व्हेन आई वाज इन 10 और 12 इयर्स ओल्ड, माय फादर गॉट अ फोर्ड फाउंडेशन फेलोशिप। ओके, इन दैट वी वेंट टू भारत भवन, वेयर हिज प्लेस वेयर बीन परफॉर्म। सो And what's your father's name? Rameshwar Prem. और वो he is a playwright. Playwright. Okay. He is a poet and a playwright. Okay. So that time, what happened is there was a huge amalgamation of artists there. Visual artists, theater से related जो artists थे. हर भवन में. हर तरह के artists वहाँ पे समाहित थे. Okay. तो उसमें एक कलाकार थे जो रॉबिन दास जी, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हैं, वो वहाँ से पढ़े हुए हैं डिज़ाइन में। राइट। और उन्होंने मेरे पिताजी का पोर्ट्रेट बना रहे थे और मैं छोटा सा बच्चा उनके पास आके खड़ा होके देखने लगा कि कैसे बनता है। ओके। एंड आई सॉ अ काइंड ऑफ अ मैजिक व्हेन ही ड्रू few lines of my father's portrait. Okay. It was amazing to watch, like I'm watching a printer printing something. Okay. And it was so I saw that he was his lines were like a printing thing, and वो मुझे एक magic की तरह लगा। मैंने सोचा ये कैसे a man can see things and he can draw those things. Okay. उसके बाद फिर वो somehow he became my guru, mentor, an invisible guru. And then I thought कि हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। Okay. इसी तरह का कुछ मुझे करना चाहिए कि मैं भी कुछ draw करूँ, कुछ देखूँ, कुछ ऐसा बना सकूँ। तो मुझे जैसा वो इतना इजी लग रहा था, वैसा वो इजी था नहीं। उसके लिए बहुत लंबी तपस्या लगी। जब वो एक ड्राइंग करने जब बैठे, जो कॉपी करना आसान हो जाता था, लेकिन जो इमेजिनरी ड्राइंग करना है या किसी चीज़ को देख के बनाना है, नेचुरली कोई चीज़ को देख के बनाना है, सोच से बनाने के लिए डिफ़िकल्ट, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी नहीं है उसको वर्क करने के लिए। तो वो वोकैबुलरी के लिए आपको दिन रात उसके ऊपर वर्क करना पड़ता था। एब्सोल्युटली। वो बहुत ही एक कह सकते हैं एक तरह का डिसिप्लिन है काम करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आप आए और आज अगले दिन से आप बनाना शुरू कर देंगे, उसके लिए रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तब मुझे पता चला कि आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इतना मज़ेदार है वो। दिस काइंड ऑफ अ मैजिक इज सो
सो अमेजिंग टू सी। तो ये 10-12 साल की उम्र में मुझे ये आभास हुआ और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बनाता रहा। हालांकि कुछ टीचर्स की कमी थी कि मुझे कोई गाइड करता, तो वो मैं सिर्फ जो भी हमारे घर पे जो भी कलाकार आते थे उनसे थोड़ा बहुत मैं गाइडेंस लेता था। फिर धीरे धीरे करके ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसमें आर्ट में कुछ करना चाहिए क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी। तो मैं किसी ने मुझे बताया, किसी ने क्या, मेरे पिताजी की जान पहचान जतिन दास जी से थी, तो जतिन दास जी से उन्होंने पूछा कि क्या हमारा लड़का ये कुछ करना चाहता है, कुछ पेंटिंग ड्राइंग कुछ करना चाहता है, तो इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कॉलेज ऑफ आर्ट एक इंस्टीट्यूट है, आप जा सकते हैं वहाँ पे। और उन्होंने बोला कि मैं आपको गाइड कर दूँगा। हालांकि वो हुआ नहीं, वो गाइडेंस नहीं मिल पाई, लेकिन मैं कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए निकला और मैं एंड अप हुआ त्रिवेणी कला संगम में। मुझे लगा कि यहाँ पे भी जो पेंटिंग और वो उसका एक मतलब कि एक मिश्रण है कि भाई यहाँ पे भी हम पेंटिंग सीख सकते हैं। तो उस समय डीन मेरे ख्याल से रामेश्वर बूटा साहब थे और मुझे वहाँ पे एक सीट मिल गई और फिर मेरी वो आर्ट का जो इंटरनल जर्नी शुरू हुई कि आर्ट का जो उसका एसेंस है, कैसे वो वहाँ कैसे डेवलप होता है, कैसे उसमें जानकारी आती है, किस तरह से हम कलर्स को देखते हैं, वो हमारा शुरू हुआ वहाँ से। और त्रिवेणी साल कब था जब आपने त्रिवेणी ज्वाइन किया था? त्रिवेणी मैंने ज्वाइन किया 1995-96 में। ओके। उसी दौरान, क्योंकि मैं 95 में मैंने ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट के को ढूंढा था, मुझे मिला नहीं कॉलेज ऑफ आर्ट, उस समय मुझे इतनी जानकारी थी नहीं, लेकिन मुझे ये त्रिवेणी मिल गया। ओके। तो त्रिवेणी में मुझे पता चला और मेरी टीचर जो थी वो सुरेंद्र कौर थी और वो बहुत अच्छी टीचर हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट की हैं, वो बहुत सीनियर टीचर हैं। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया इस बारे में। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल, ये बगल में कॉलेज ऑफ आर्ट भी है, फिर शंकर अकाडमी भी है, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जामिया इस्लामिया भी है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने शंकर का कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मुझे शंकर में पहले एडमिशन मिल गया, तो मैंने शंकर ज्वाइन कर लिया। राइट।
There's something you are doing, यान यात्रा, इसके बारे में मुझे कुछ पता चला था, और यहाँ पे भी आपने किया था जहाँ पे हम लोग खड़े हैं बारखंबा के यहाँ पे, और इस एरिया में भी आपने कर रखा है, और वो शायद ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारी जगह पे हुआ है, एंड इट वेंट ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसके बारे में बताइए। यान यात्रा जो था वो एक कॉन्सेप्ट था जो शैलिन स्मिथ ने मुझे दिया था। ओके। क्योंकि वो राज आर्ट इनिशिएटिव के अंदर काम करती थी और अभी भी शायद वहीं काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे राज आर्ट जो है वो बहुत बड़ा कालीनों का और यान का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके पास एक कॉन्सेप्ट आया कि दे वांटेड टू डू यान वॉमिंग एंड यान निटिंग, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट था जो बेसिकली ह्यूस्टन में माकता सईद में जो किया था जी, और उस दौरान वो एक ऐसा पहलू था जिसमें कि फीमेल्स जो थी वो ग्राफिटी कर पाए, उसके लिए एक मूवमेंट बन गया था अमेरिका के अंदर। ओके। वो बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जिसमें स्कूल्स कॉलेजेस बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई थी। ओके। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने मेरे को बोला कि राहुल कुछ इसके ऊपर हम सोचते हैं, कुछ करते हैं इस पर, और हमने जब मुझे ये पता चला, कौन से साल शुरू हुआ था ये, 2016 में। ओके। 2016 में स्टार्ट इन 2016 इट स्टार्टेड इन 2016 ओके, ऑन जून 2nd ऑन माय बर्थडे शैलिन स्मिथ कॉल्ड मी कि एंड शी टोल्ड मी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यान यात्रा, द यान बॉम्बिंग एंड यान नीटिंग, गुरिल्ला यान बॉम्बिंग, ये सब उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने जब उसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हमारे घर में तो जो दादी हो गई, माँ हो गई, वो जब उनका वो होता है कि बुल बच जाता है कुछ, तो वो कभी कोई खिलौना बना देती हैं, कुछ बना देती हैं, तो उस तरह का, तो मुझे लगा वो एक इंडियन कॉन्सेप्ट है। राइट। लेकिन इसका अमेरिका में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, अमेरिका में भी, यूएस यूरोप में भी, यूरोप में, यूएस एंड यूरोप, यूरोप में भी बहुत इम्पैक्ट रहा, तो उसको हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो हमने शुरुआत इसी बारखंबा से ही की। ओके। तो अभी तो खैर बहुत सारे पेड़ अभी बड़े हो गए हैं, तो उनके जो सपोर्ट्स हैं वो हटा दिए गए हैं, तो उन सपोर्ट्स में हमने कुछ कुछ किया था। उसके बाद हमने दो बड़ी यात्राएं की इसमें, जो दिल्ली से बॉम्बे और दिल्ली से मझोली तक का प्रोग्राम था। ओके। और उसमें रनिंग जो किलोमीटर था वो 30,000 किलोमीटर से ऊपर था, और हमने रेलवेज को एज अ बैकबोन यूज़ किया था, और इट वाज अ ग्रेट सक्सेस देन, क्योंकि इस तरह का इतने ग्रैंड स्केल पे कभी हुआ नहीं था। और सो यू ट्रेवल अक्रॉस इंडिया? अक्रॉस इंडिया। ओके। और उसके बाद फिर जब वो कोलैबोरेशन ख़त्म हुआ, तो लेकिन कोलैबोरेशन मेरा फिर भी राज आर्ट इनिशिएटिव के साथ रहा, शैलिन स्मिथ जी के साथ रहा। ओके। उसके बाद बहुत सारे थिएटर के प्रोग्राम्स हुए, जैसे कि एक बेतला महोत्सव हुआ, थिएटर फेस्टिवल हुआ बेतला में झारखंड के अंदर, तो वहाँ संसद तक संसद तक ने इन्वाइट किया था, वो बेसिकली वो एक मेरे फ्रेंड हैं, उनके एक एनजीओ था, उस एनजीओ के थ्रू वो हुआ था वहाँ पे, तो मुझे भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमने वहाँ पे भी उसको इंट्रोड्यूस किया। कजरिया वहाँ पे भी आपने किया था शायद, गुजरात में, गुजरात में किया, कनोडिया में किया था, वो बेसिकली 2016 के ट्रैक में हमने किया था। राइट। तो उसमें अहमदाबाद भी था आपका, जो बड़ौदा था, फिर भोपाल था, लखनऊ था, और भदोही था, उज्जैन था, इलाहाबाद, ये बनारस था, है ना, गुवाहाटी था, फिर नॉर्थ लखीमपुर था, फिर मझोली था, बॉम्बे था, तो बहुत सारी ऐसी हमने सिटीज़ जहाँ पे यान का एक महत्व हो सकता है, वहाँ पे एक तरह के वहाँ पे यान से चीज़ें बहुत सारी बनती है, और इंडिया तो वैसे भी यान निटिंग में तो बहुत ही माहिर है, बहुत पहले से, बहुत बहुत सालों से, जब से घास हमारे हाथ लगी है तब से हम निटिंग करते आ रहे हैं, और वो चाहे हम घर निट कर देते हैं उससे, तो ये एक
कॉन्सर्ट रहा और बहुत बहुत सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद हमने दिल्ली के अंदर जो वसुंधरा के टाइम पे किया और उसमें भी हमने बहुत बड़े लेवल पे चित्रन पार्क के अंदर हमने वो काम किया। ओके और थैंक्स टू शैलिन जी, क्योंकि उन्होंने अगर वो यान नहीं दिया होता, और उस तरह के यान अवेलेबल नहीं है जिस तरह के यान उन्होंने दिए थे, वो बेसिकली जो जो आपके बोटल्स होते हैं पानी पीने की जो बोटल्स होते हैं उसको रिसाइकिल करके उसका यान बनाया हुआ था। ओके और उस तरह से वो रिसाइकिल होके वो दोबारा से हमने उसको काम किया। तो अब ये कहना थोड़ा अच्छा लगता है कि हम जो है अब जो बोटल्स हैं प्लास्टिक की बोटल्स हैं या रेजिन की जो बोटल्स हैं हम उससे हम यान बना सकते हैं, तो अब हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। सो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा अपीलिंग था। हाँ और हर तरह के अखबार ने उसको कवर किया और बहुत अच्छा हमें उसका रिस्पांस मिला और आज भी हम उसको कर रहे हैं। आज जो है नागपुर में भी हमने किया कुछ और उसके बाद अभी देख रहे हैं कि गोवा में और भी कुछ जगह जहाँ जहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल रही है वहाँ वहाँ पे हम उसको करने की कोशिश करेंगे। राहुल, हाउ मच यू वैल्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग योर स्केच बुक? एक स्केच बुक आपके पास होना चाहिए, क्या ये बहुत ज़रूरी है या नहीं? इसे करने पे बर्डन काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं स्केच बुक करेंगे रोज़ मेंटेन करना होता नहीं है। सो डू यू बिलीव दैट मेंटेनिंग ए स्केच बुक काइंड ऑफ ड्राइंग एंड डूडलिंग इसे काइंड ऑफ सी हमारा रिलीजन आर्ट है आर्टिस्ट का आर्टिस्टिक रिलीजन में क्या आपको लगता है कि स्केच बुक का कोई महत्व है? गर्म रेत के फर्श पर चलना, मेरे पैर, मेरी फटी हुई त्वचा, अंतहीन खून का रिसाव असमर्थ करता है मेरे शरीर को, और गर्म रेत एक अंधकूप की तरह पी जाता है मेरा सारा लहू। सुई की तरह मेरे मांस में हड्डियों तक और भी गहरा धस जाता है। ये दर्द केवल शरीर का ही नहीं है बल्कि अकेला रसातल है जहां मैं खुद को अकेला और निराश पाता हूं। मेरे जबड़े सूख गए हैं, अब लार को निगलना भी मुश्किल है। मेरे पास चलने और चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं, मैं थक गया। जीवित रहने की खोज अभी भी मेरे अंदर है। मेरी लाल विस्तार परिधि जैसी आँखें मेरे शरीर से बाहर निकल रही, नसें अवरुद्ध हैं और चट्टान के रूप में ठोस हो गई। मेरा फैला हुआ जबड़ा दर्द का विरोध करने की कोशिश कर रहा है। मेरे विचार थम गए हैं, मेरे दिल की धड़कन तेज तेज घड़ी को पछाड़ती हुई मेरे हाथों से निकल रही। मंजिल का किनारा अंतहीन हो गया है और यात्रा भी। रेत की गांठ जो मेरे रक्त के गीलेपन के कारण बनी है कठोर हो चुकी है, और मेरे अस्तित्व के होने और ना होने के बीच शरीर और आत्मा जैसे। पर दर्द की सीमा समाप्त नहीं होती। कितने समय तक ऐसे टिके रहेंगे मुझे नहीं पता। सीमाएं कब खत्म होंगी मुझे नहीं पता। Thank you.
मेरे हितेश जी। महानगर की उस रात मैं उपस्थित नहीं हो सका, वे मुहाने तक आए थे, वे पीठ पीछे खड़े थे, वे नहीं थे, सिर्फ महानगर था और अंधेरे में चोट खाई सड़कें थीं। बर्लिन में अब तक खाली है चीनी दूतावास, बादशाहों के रंग महल हैं उदास, हुमायूं के मकबरे का रकबा, राष्ट्र संघ के बैठक खाने, संसद में झूठे प्रस्तावों में व्यवस्थित कुर्सियां, पार्क होटल बुत खाने, आपके शहर में नहीं मिला हमें कोई आधार। मुझे अफसोस है मित्रों, उस रात की अनुपस्थिति का, जब मैं अनाहूत दो दम आगुंतिक से लहूलुहान होकर भिंड पर लेट गया था, घायल और छत बिछत। स्केचबुक का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर जो चीज़ मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको अगर मैं अपने स्केचबुक में नहीं बना रहा हूँ या उसको नहीं मैं रख रहा हूँ, उसकी इमेजेस को अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं उसको एज अ फाइनल इमेज मैं उसको नहीं देख पाऊँगा। क्योंकि जब आप, जैसे कि वो सिंपल वैसा है कि अगर आप कोई स्टोरी लिखते हैं और उसके ऊपर आपको कोई मूवी बनानी होती है, या आप चाहते हैं कि मुझे इस पर एक मूवी बनानी है, तो उसका एक प्रोसीजर है कि आप उसके जो है सीन वाइज उसको डिफाइन करते हैं, उसका जो सिनेमेटिक जो वैल्यू है उसको रखते हैं, वो सब आप लिखते जाते हैं, वो सारा का सारा आपका स्केचबुक ही है। जैसे आपका सत्यजीत रे की जो जो ड्राइंग्स हैं वो ज़रूरी हैं, अगर वो ना हो तो वो जो इम्पैक्ट जो उन्होंने क्रिएट किया अपने कामों में वो नहीं कर सकते। इसलिए स्केचबुक वो आपका आपका खुद का एक खाका है, आप खुद हैं उसके अंदर, जो आप उसमें अपने आप को बार बार अपने आप को तोलते रहते हैं, अपने आप को चीज़ों को करते रहते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव अ स्केचबुक, हैव समथिंग टू राइट अपॉन, हैव सम आइडियाज़ टू पेन इट डाउन। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए, खासतौर पे मेरे लिए, आप पता नहीं बहुत सारे कलाकारों को शायद अगर बटन लगता हो वो अलग बात है, लेकिन आई लव टू हैव दोज थिंग्स बिकॉज आई लव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो मे बी मैं हर जगह पे वो एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता, हर चीज़ में उस तरह का एक्सप्रेस, लेकिन मेरी जो स्केचबुक है वो मेरे बारे में सच्चाई बताती है। बिल्कुल, तो वो सच्चाई जो है वो मेरी इमेजेस जो हैं वो मेरे अपने हैं होते हैं, और वो मेरे को हेल्प करते हैं आगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसको आगे उसको एक 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 निश्चित रूप देने के लिए, या उसमें से कुछ 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 छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैं समाज को दिखा सकूँ इस तरह से। Thank you.
Please support Art Keeper, subscribe and share. Thank you. Yeah, Raul, being an artist, it's a tough job to survive. Right? Yes. And most over during this pandemic. और इस दौरान हम लोगों ने जिस तरह से अपने आप को जिंदा रखा है, आर्टिस्ट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत डिफिकल्ट था. सो what was योर एक्सपीरियंस एंड स्टिल नाउ what exactly you are experiencing financially, emotionally, socially? बहुत सारे पहलू हैं, उन पहलुओं के बारे में अगर आप बता सकें. एक्चुअली what happened is कि financially जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो एक्चुअली पैंडेमिक से बहुत पहले से ही फेस करनी पड़ी थी. जैसे ही हम आर्ट वर्ल्ड के अंदर जैसे ही हमने दाखिल किया अपने आप को, तभी से वो क्योंकि कलर्स बहुत महंगे हैं, कैनवासेस बहुत महंगे हैं, और उसके बाद उसकी बिडिंग, उसका फिर ट्रांसपोर्ट, एग्जीबिशंस, ये सब बहुत महंगी हैं. और आर्टिस्ट के काम जो है उस तरह से बिक जाएं, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि वो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे. तो ये जब 95, 96, 97 जब बूम टाइम था, उस समय भी एक आर्टिस्ट के लिए एक डिफ़िकल्टी थी अपनी जगह बनाने के लिए. ओके. तो उसके लिए जो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी, आई वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि मैं एनएसडी मैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च असिस्टेंट था. ओके. तो आई यूज टू गेट द स्मॉल पॉकेट मनी फ्रॉम देयर एंड आई यूज टू यूज दैट पॉकेट मनी टू मेक माय ओन आर्ट वर्क. राइट. और ये सिलसिला चलता रहा 2007 तक. Okay. जब मैंने 2006-2007 के अंदर जब मैंने एनएसडी छोड़ा था, तब मुझे जो है एक बॉम्बे की गैलरी थी, दी आर्ट ट्रस्ट. Right. तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि वी लाइक यू वर्क एंड वी वांट टू वर्क विद यू एंड वी विल मेक यू स्टेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. और ये विल बी सपोर्टिंग यू, दे वर सपोर्टिंग मी. तो okay. उसकी वजह से जो है थोड़ा सा मेरे को एक बेनिफिट मिला, लेकिन ये जो सर्वाइवल था, जो मॉनिटरी जो सर्वाइवल है, हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट था एक कलाकार के लिए उस टाइम पे भी, जबकि वो बूम टाइम था. Okay. उसके बावजूद भी. ओके. Okay. लेकिन हाँ, उसके से आई ओपन अप फॉर मी, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ और मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है कि बूम टाइम में भी प्रॉब्लम्स थे. क्योंकि हर एक आर्टिस्ट के अपनी बात कहने का एक तरीका है, तो वो बात जो है वो ज़रूरी नहीं था कि वो जो फर्टिलिटी जो उस आर्ट वर्क को खरीदती है या उस आर्ट का बिजनेस करती है, उस फर्टिलिटी को वो पसंद आए. राइट. तो उसमें बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो स्ट्रगल कर रहे थे और वो स्टिल अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. हाँ हाँ. तो वो जो हम जो बूम टाइम बोल रहे थे, वो बूम टाइम जो था वो कुछ पर्टिकुलर कलाकारों के लिए था, जो कलाकार पहले ही एक फॉर्मेट में आ गए थे या वो उस मार्केट के एक जो उसका एक्सेप्टेंस है उसमें आ गए थे. हाँ. उनके लिए वो इजी हो गया था काम करना, क्योंकि उनका वर्क भी वैसा रिप्रेजेंट कर रहा था, चाहे वो फिलोसफिकल हो या स्पिरिचुअल हो, जिस तरह से भी वो करना चाह रहे थे वो एक हो रहा था. और दूसरा, मार्केट भी उनको रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन okay. वो कुछ कलाकारों के लिए था, सब कलाकारों के लिए नहीं था. Okay. तो बहुत सारे कलाकार जो थे वो तब भी स्ट्रगल कर रहे थे अपने वजूद के लिए, वो आज भी कर रहे हैं अपने वजूद के लिए. हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब कि उम्र बढ़ गई है बस, और उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है. डू यू थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ म्यूजियम्स एंड ऑल्टरनेट स्पेसेस फॉर आर्ट इन इंडिया? मैं स्पेसिफिक किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक किसी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ. वी नीड, इट्स माय ओन ओपिनियन, लाइक वी नीड मोर ऑल्टरनेट स्पेसेस. और म्यूजियम्स भी बहुत सारे, बहुत कमी है म्यूजियम्स की हमारे देश में. वी डेस्परेटली नीड म्यूजियम्स, स्पेशली कंटेम्प्रेरी म्यूजियम्स, बिकॉज वी आर इन अ स्कार्सिटी ऑफ थिंग्स. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गवर्न्ड बाय द गैलरीज. राइट. गैलरीज कांट मेक योर प्राइसेस स्टेबल, ओनली द म्यूजियम्स कैन. और म्यूजियम्स इंडिया के अंदर जो है वो कुछ प्राइवेट म्यूजियम्स हैं.
बिल्कुल, और बहुत ही और कुछ भी बहुत ही कुछ बहुत ही कुछ मतलब बहुत ही कुछ आप उंगलियों में गिन सकते हैं, उंगलियों में गिन सकते हैं। हमें म्यूजियम्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों की म्यूजियम्स के लिए, जो जो कलाकार आज की डेट में अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को रखने के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनके पास वो मार्केट नहीं पहुंचा है अभी तक, या उनको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा, ऐसे कलाकारों को सपोर्ट होने के लिए हमारे लिए म्यूजियम्स बहुत ज़रूरी हैं। और इवन हमारे पास जो जो गैलरीज हैं जो एक्चुअली आर्टिस्टों को सपोर्ट करती हैं और जेन्युइनली करती हैं, उनको भी एक रिसर्च टीम बनानी चाहिए, ताकि वो भी उन 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 कलाकारों के प्रति या उनको एक 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 स्टेबिलिटी दे सकें। ओके, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सोशली बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, ख़ासतौर पे कलाकार, और जो सरकारी जो जो तंत्र है, जो उसका जो सिस्टम है, वो इनफ नहीं है उन कलाकारों को, सभी कलाकारों को सस्टेन करने के लिए। तो बहुत सारे कलाकार रह जाते हैं, तो उन कलाकारों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से म्यूजियम्स, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर म्यूजियम्स हो हमारे पास, तो हम कलाकारों को सस्टेन कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उनको लोगों को बता सकते हैं, जो नए उभरते हुए जो कलाकार आ रहे हैं उनको पता चलेगा, पब्लिक को पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एक म्यूजियम्स के। राहुल, आपको मैं यहाँ पे एक इंटरवीन करना चाहूँगा। यू टॉक अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, यू टॉक अबाउट यू नो क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ ए आर्काइव एंड ऑल्सो, अभी तो हिंदुस्तान में कोई आर्काइव या ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है क्या? मेरे हिसाब से बहुत कम है, या लोग इसके बारे में सोचते नहीं है। क्योंकि पहली बात जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूँगा, जब हम एग्जीबिशंस करते हैं, हम लोग अपना कैटलॉग कभी पब्लिश नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, एक बेफालतू की चीज़ें हैं, खर्चा है, लेट स्किप दैट। ओके, अगर करते भी हैं तो एक छोटा सा पैम्पलेट टाइप कर देंगे, या दो पेज या चार पेज का कर देंगे, एंड दैट्स इट। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर कुछ है ही नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का कोई कल्चर नहीं है, दैट्स अ ड्रॉबैक, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग ड्रॉबैक। और एक्चुअली जितने भी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पास एक डॉक्यूमेंटेशन का एक विंग है, वहाँ पे चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हैं, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। ओके, दैट इज़ द मेजर ड्रॉबैक, कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे हैं, जो आर्काइवल मटेरियल है, वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, लाइब्रेरीज में होना चाहिए, right. और उनको उनको स्कूल्स में, कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि बच्चे अवेयर हों, या वो एक अवेयरनेस हम कर सकें। उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के मामले में हम बहुत ही गिने चुने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्राइवेटली जो कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, वो एक तरह का उनका मोनोपोली हो गया है, कि वो अगर आपको उस तरह का कोई आर्काइव चाहिए तो आपको उनको एक अमाउंट देना पड़ेगा, या आपको उनको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपको किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। वो एक्चुअली फ्री डोमेन में नहीं है, फ्री एक्सेस नहीं है। तो उसमें से बहुत कम है जिनके लिए मैंने कुछ काम किया था, जैसे अलकाजी फाउंडेशन है, वो बहुत कमाल डॉक्यूमेंटेशन उनके पास अवेलेबल है, फोटोग्राफ को लेके और कुछ थिएटिकल एलिमेंट्स और उन सब को लेके, कुछ बुक्स हैं के जी सुब्रमण्यम, और उनकी किताबें, उन्होंने बहुत खूबसूरत किताबें छापी हुई हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन हाँ, उनका जो आर्काइवल मटेरियल है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जैसे कि नटरंग प्रतिष्ठान के हैं, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में है, वो आप जाएंगे उनसे पूछेंगे तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, लेकिन ये रेडिली एक्सेसिबल होना चाहिए, लेकिन इसकी जानकारी लोगों के पास नहीं है। नहीं उसका, देखिए SNA के पास भी अपना डॉक्यूमेंटेशन विंग है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन विंग, संगीत नाटक अकेडमी, राइट, और आपके पास वैसे ही साहित्य का भी है, और उसी तरह से नृत्य का भी है, और आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन विंग है, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे होता है, लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको सिस्टम। सो सपोज वन स्टूडेंट हैज टू एक्सेस दोज थिंग्स, दे हैव टू गो थ्रू चैनल्स। हाँ, और चैनल काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, कि उसके थ्रू आप नहीं पार कर पाते हैं, और कई बार आपको एक्सेस नहीं मिलता है उन सब चीज़ों का। लेकिन वो एक्चुअली होना क्या चाहिए, कि
जो फ्रीली वेब पे वो वहाँ पे आना चाहिए ताकि हम ना उसको एक्सेस कर पाएँ कि क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरह के लोगों ने काम किया है यहाँ पे और किस तरह के कलाकार हैं, वरना हम उन कलाकार को भूल जाएंगे कुछ समय के बाद. एग्जैक्टली, इट विल बी इरेस्ड. हमारी मेमोरी में ही नहीं रहेगा, हमारे जहन में नहीं रहेगा, आने वाले जनरेशन के पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा. नहीं रहेगा तो हम कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे. इवन जैसे ललित कला के पास है, उनके पास भी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन का विंग है और एक टाइम पे तो पब्लिकेशन भी बहुत अच्छे से हुआ करती थी, लेकिन अभी वो धीरे 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 वो भी कम हो गया है. अब वो डॉक्यूमेंटेशन जो है, अगर आप गिनने जाएंगे तो आपको गिन के 4-5 आर्टिस्टों के बारे में बताएंगे कि आपको ये आरा है या सूजा है या आपका हुसैन है या एक दो और आर्टिस्ट हो गए, राइट. और उसके बाद जो है एक लंबी फरिश्त आर्टिस्टों की है जो एक्चुअली उस पटल से गायब हो गए हैं. वो हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन हाँ, हाँ. वो हमारे डोमेन में नहीं, हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं. अब उनको भूलने लगे. तो वो जो चीज़ है ना, वो या तो म्यूजियम्स या डॉक्यूमेंटेशन जो रेडिली पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, वो होना बहुत ज़रूरी है इस कंट्री के अंदर. का है विलेज को और पॉटर्स हैं सारे, वो विलेज में सारे पॉटर्स हैं. तो वो पॉट 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 करके बहुत हाइट पे, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई पे है, तो देखने में वो बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन वो उसको हम इंस्टॉलेशन तो नहीं करते. वो तो लाइफ स्टॉक है, वो तो बेच देगा उसका. उसका कोई मकसद नहीं है, वो सिर्फ धूप लगाने के लिए उसने किया है. या राहुल, आज कुलदीप भी हैं यहाँ पे. आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और कुलदीप के लिए भी. रिलिक मोंगर्स, काफ़ी सालों से आप लोगों ने इस पर काम किया है. व्हाट एग्जैक्टली इज़ रिलिक मोंगर्स और क्यों किया था आप लोगों ने इसको शुरू, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, इसके बारे में बताएं. रिलिक मोंगर्स जो था वो बेसिकली ऑफशूट था इक्लेक्टिक्स का. ओके, इक्लेक्टिक्स वाज द फर्स्ट थिंग, वाज द फर्स्ट ग्रुप इन विच 14-15 आर्टिस्ट वर देयर. ओके, और हम जो है नगमा के पीछे की जो लॉन उस समय ओपन रहता था, सभी आर्टिस्ट वहाँ पे आके बैठ सकते थे. तो वहाँ पे हम मीटिंग रखते थे और इंडिविजुअली जो अपना विचार होता था आर्ट को लेके, हम क्या पेंट करना चाहते हैं, क्या उसके अंदर चीज़ें बताना. तो उसका नाम भी जो है वो कुलदीप नहीं रखा, कुलदीप का ही था इक्लेक्टिक्स जो उन्होंने okay. रखा. और उसके बाद रिलिक मोंगर्स का जब हमने शुरुआत किया तो शुरुआत में भी कुलदीप ने ही उसका नामकरण किया था. और रिलिक मोंगर्स, हाँ, क्योंकि वो उसका ऑफशूट था. कौन से साल में शुरू हुआ था ये? 2002 में हुआ था. 2002, ओके. तो बेसिकली वो रिलिक मोंगर्स हुआ था जो हमने अपनी जो पोएम्स ये सब की थी उनको मतलब कि वर्ल्ड उसके अंदर रखने की हमने बात की. आर्काइव, ये आर्काइव की तरह किस नहीं, ये बाद में आर्काइव की तरह बना था, लेकिन अभी उस टाइम पे जब शुरुआत के टाइम पे नहीं हुआ था सर. ओके, उसमें हम अपनी पोएम्स अपनी बातें उसमें रखा करते थे. हाँ, फिर दो और फाउंडर्स उसमें आ गए, अनिल आ गए और उसके बाद विश्वजीत मंडल आ गए. ओके, और हम फिर चारों ने ये डिसाइड किया कि हम फिर क्या मकसद है, कुछ ना कुछ हम इसमें एक मकसद लेके आएँ, लोगों को इसमें जोड़ें, इसके अंदर और भी आर्टिस्टों को इन्वॉल्व करें, तो कैसे करें. तो फर्स्ट प्रोजेक्ट भी कुलदीप ने सोचा था कि वो आर्ट इन्वॉल्व जो 2005 में हमने किया था. ओके, तो ये 2002 से लेके 2005 के बीच तक हम सिर्फ वो करते रहे, क्या अपने कामों को एग्जिबिट करते रहे, लेकिन 2005 में हमने आर्ट इन्वॉल्व करके हमने पूरा प्रोजेक्ट निकाला और वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल रहा. उसमें 34-35 आर्टिस्टों ने काम किया, इंक्लूडिंग उमेश वर्मा जी, जो बेसिकली अभी तो उमेश जी नहीं है, नहीं रहे, लेकिन शायद अतिन बोसक भी थे. हाँ, विशाखा आप्टे भी थी और राजेश अंबलकर भी थे. ओके, तो बड़े नामचीन आर्टिस्टों ने भी उसमें अपने ओरिजिनल वर्क दिए. ओके, मतलब और बहुत ही अमेजिंग डिजाइन थे. तो ये बेसिकली एक एनवलप था, पर्टिकुलर एक ही साइज़ का एनवलप था, वही दिया गया और उसी पे काम करना पड़ा. जी जी, तो उसमें जो फ्लैप था, फ्लैप को भी हमने बोला था आप इंक्लूड करें उसको, लेकिन कुछ लोगों ने इंक्लूड किया, कुछ लोगों ने नहीं किया. वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा उसका. ओके, तो उसका हमने एक पब्लिकेशन भी निकाला था उस टाइम पे, ब्लैक एंड वाइट पब्लिकेशन, क्योंकि उस समय हम सभी जो है या तो स्ट्रगल कर रहे थे या कॉलेज में थे या कुछ ऐसा जो उतना हमारा फाइनेंशियल वो नहीं था. तो बेसिकली
और ये उस समय काजा में काम कर रहे थे जे एन बी काजा के अंदर कुलदीप बहुत ही हाइट पे था और ये वहाँ पे उन्होंने एक वर्कशॉप किया बच्चों के साथ तो वो कुलदीप उस समय काजा में थे और उन्होंने वहाँ पे वो एक वर्कशॉप किया बच्चों के साथ और मेरे ख्याल से बहुत अमेजिंग काम किया उन बच्चों ने कंटेम्प्रेरी वे में बहुत अच्छे से किया क्योंकि वहाँ पे जो है ना तनका पेंटिंग्स का जोर है तो वो एक ट्रेडिशनल तरीका है पेंटिंग्स बनाने का राइट तो उसको ब्रेक करके उसके उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया और वो बहुत ही उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन बच्चों के साथ वो वर्कशॉप किया अब तो खैर वो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए कुछ तो टीचर बन गए कुछ आर्मी में चले गए तो पीछे जाके वो सोचेंगे कि क्या किया था हाँ उनसे कॉन्टेक्ट किया अभी जब हमने रेलिक मुंगर में उसका डिजिटल वर्जन निकाला था राइट तो इन्होंने उनसे उन लोगों से कॉन्टेक्ट किया है तो शायद वो भी अब अपना कुछ बाइट वाइट देंगे उसमें तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा और उसके बाद हमने 2006 में हमने वो फोटो आर्ट करके किया था जिसके अंदर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के ऊपर वर्क करना था तो उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन अच्छा अपने ही फोटोग्राफ्स के ऊपर हाँ ओके यस या फिर सेम साइज का सेम साइज का उसी साइज का कुछ काम ऐसा तो क्या उसको भी रिलीज करेंगे आप लोग हाँ उसके अंदर 70 से ऊपर आर्टिस्ट ने काम किया और जिसमें जो है एक वर्कशॉप टेक्निया इंस्टीट्यूट के अंदर किया जो अनिल शर्मा ने किया था वहाँ पे उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तो वहाँ पे भी बच्चों ने काम किया था वहाँ पे स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो BFA, MFA और उन सब के बच्चे थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही खूबसूरत काम हुआ बहुत ही खूबसूरत हुआ तो उसकी भी अभी उसको भी हम डिजिटाइज करके उसको भी यूट्यूब में डालेंगे रेलिक मोंगर्स के नाम से वो भी आएगा हम वहाँ पे भी आपका चैनल है मैं यहाँ बताना चाहूँगा आई एम जस्ट टेकिंग सम टाइम राहुल हैज़ गॉट हिज ओन चैनल रेलिक मोंगर्स विच इज़ देयर ऑन यूट्यूब तो राहुल रेलिक मोंगर्स का उसको किस नाम से रेलिक मोंगर्स के नाम से ही है जी उसको जी, अगर कोई किसी को सर्च करना पड़े जस्ट हैव टू सिर्फ रेलिक मोंगर्स रेलिक मोंगर्स करेंगे RELICMONGERS वन वर्ड रेलिक मोंगर्स वन वर्ड दैट्स इट या प्लीज कंटिन्यू तो उसके बाद फिर हमने जैसे कि अभी बातचीत करते हुए तुमने पूछा था कि हमने उसको डिस्प्ले क्यों नहीं किया क्या बात थी हाँ। तो हम उसको डिस्प्ले करना चाहते थे हाँ, अगर फिजिकल डिस्प्ले कर पाए तो मुझे लगता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा क्योंकि उसके अंदर एक और मतलब चीज़ हमने इंट्रोड्यूस किया था वो था स्टूडियो स्पेसेस तो स्टूडियो स्पेसेस जो है 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया हाँ, था ये मैं मुझे क्योंकि उसमें तुमने भी एक स्पेस तुमने भी इंट्रोड्यूस किया था राइट तो वो पुरानी दिल्ली में पुरानी दिल्ली के अंदर राइट तो वो बहुत ही इंगेजिंग था तो हम वो 3 साल चला पाए थे क्योंकि होता क्या है कि कंटेम्प्रेरी आर्ट के अंदर जो आर्टिस्ट्स हैं वो आपस में एक प्लेटफॉर्म पे मिलना बड़ा मुश्किल होता है तो हम वो फिर भी 3 साल चला पाए थे और सिर्फ 3 दिन का शो हुआ करता था फ्राइडे सैटरडे और संडे और हर वीक हम एक वीकेंड की तरह हम उसको शो करते थे किसी भी प्राइवेट स्पेस में जहाँ पे किसी का छोटा घर हो कोई छोटी सी दीवार हो कहीं पर भी छोटी एक कोई भी जगह किसी दूर जगह पे किसी के प्राइवेट स्पेस में जाते हैं तो वो इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों के अंदर ये होता है कि वो एक फॉर्मेट में रहते हैं कि उनको एक एग्जीबिशन स्पेस चाहिए कि एग्जीबिशन करना है हमने 4 दीवारी के अंदर हाँ वो और उसके बाद फिर क्योंकि अगर आप स्पेसेस में जाते हैं जब आप एग्जीबिशन स्पेसेस में जाते हैं तो उसमें क्या है कि गैलरीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो एक अलग एक वो मिलता है डायमेंशन मिलता है तो आर्टिस्टों को लालच होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे स्टूडियो स्पेस थोड़ा सा छोटा था और वो बहुत ही निजी एग्जीबिशन थी मतलब बहुत पर्सनल इसमें एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा रहता है ज़्यादा इसमें इनवाइटीज आए या ना आए इसमें एक डाउट रहता है हमेशा हमेशा रहता है तो हमने जितने भी इसमें प्रोजेक्ट्स किए चाहे वो हमने इक्लेक्टिक्स में लोगों को जोड़ के उनके बारे में जानना या रेलिक मोंगर्स के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हमने किए वो और उसके बाद जो स्टूडियो स्पेसेस में जो प्रोजेक्ट्स हमने किए वो इंडिया से बाहर से भी आर्टिकल्स आए थे इंडिया से बाहर से भी आर्टिकल आए थे हमारे इसमें फोटो आर्ट में तो अलसैदी हसन भी था इराक का परफॉर्मेंस यहाँ पे US नाउ और उन्होंने भी अपना ओरिजिनल वर्क दिया था लोगों को हाँ ओरिजिनल वर्क उन्होंने भी ये आर्ट एनवेलप पर कुछ हुआ है वहाँ पर मेरे ख्याल में 2016 में एक्टिविटी हुई है कुछ आर्टिस्ट थे जो कि पुराने पहले इसमें रेलिक मोंगर्स में काम किया था जिन्होंने एनवेलप में और
वो इन्वॉल्व थे उसमें, अभी वो यूएस में है। हाँ, तो जो भी हमने इसमें प्रोजेक्ट्स किए वो प्रोजेक्ट्स दोबारा इंडिया के अंदर किसी और ने नहीं किए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उस आर्ट का सिनेरियो को थोड़ा इलाज कर दिया था। उस लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि कुछ नया, कुछ नई तरीके की चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, कुछ नए तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब वो अपनी अपनी चीज़ों को उन प्रोजेक्ट से जोड़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है। अभी कुछ लोगों से जब बात हुई तो कुलदीप ने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं बहुत अच्छी पोजीशन पे चले गए और वो पुरानी चीज़ों को याद करते हैं कि कितना चैलेंजिंग था उनके लिए। राइट, तो ये सिलसिला रहा। और सो व्हाट यू थिंक अबाउट रिलिक मॉन्गर्स, इसको आगे कैसे ले जाएंगे? क्या आप इसको एक चैनल की तरह रखना चाहेंगे और इट बी समथिंग विच विल बी काइंड ऑफ ए यू नो एक कल्चरल या आर्ट बॉडी की तरह बनाएंगे वेयर आर्टिस्ट कैन इन्वॉल्व देमसेल्फ, जहाँ पे लोग जुड़ सकें आपके साथ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। सो इफ़ यू नो इट कैन गो फर्दर। वो हमने अभी उसके ऊपर अभी विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो रिलिक मॉन्गर का जो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि हम इनवाइट करते थे आर्टिस्टों को हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। अभी कुछ हम सोच रहे हैं उसके ऊपर कि हम किस तरह से, क्योंकि समय बदल गया है, अब बहुत सारा डिजिटाइजेशन का बोलबाला हो गया। अभी उस तरह से जो है आप 18 साल हो गए, प्रायोरिटीज चेंज हो गई, चीज़ों को देखते हैं किस तरह से लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको। बिल्कुल, तो अभी बिल्कुल। तो हमने सिर्फ 2 एपिसोड उसमें रिलिक मॉन्गर्स में डाले हैं, अभी फिलहाल और भी एपिसोड उसमें आने वाले हैं और नए प्रोजेक्ट्स भी उसमें आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि हमें क्या पुराने ढर्रे से ही काम करना है उसमें, या उसमें नई कुछ जो समय के साथ जो चीज़ें बदली हैं उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, कुछ नया उसमें एक एंगल निकाला जाए, कुछ नई तरीके से उसमें काम किया जाए। राहुल, एक सवाल और है, सवाल तो बहुत सारे हैं, एक जो आज अभी सोच पा रहा हूँ, यू आर लीडिंग ए लाइफ ऑफ ए फ्रीलांसर, कुलदीप टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग जॉब में हैं, एक डिफ्रेंशिएट कर पाता हूँ कि दो अलग अलग टेंजेंट पे हैं आप लोग। मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो हम सबके लिए बहुत वैलिड है, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ ए फ्रीलांसर, वट एग्जैक्टली इज़ द लाइफ ऑफ ए फ्रीलांसर? क्योंकि देखिए, कॉलेज से बहुत सारे लोग पास आउट कर रहे हैं, अभी हिंदुस्तान के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सब पास आउट कर रहे हैं, हर किसी को फुल टाइम जॉब नहीं मिलता है, शायद मिलेगा भी नहीं कभी, सारे फ्रीलांस करेंगे, कुछ ना कुछ और करेंगे। सो वॉट एग्जैक्टली इज़ द लाइफ ऑफ ए फ्रीलांसर, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। मैं अपने चैनल के थ्रू काफ़ी लोगों को बताना भी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे बताना भी सही नहीं रहता, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद बताएं कि क्या होता क्या है एक फ्रीलांसर का ज़िंदगी। देखो, जैसे तुमने शुरू किया, जैसे तुमने शुरू किया कि कुलदीप जॉब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था। तो एक्चुअली फ्रीलांसर का मतलब है, जब वो ये जॉब कर भी रहे हैं तब भी ये फ्रीलांसर ही हैं, क्योंकि आर्ट में उतना ही उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे कि हमने पहले बात किया था कि अगर आपको गैलरीज मिल जाती हैं या आपको बायर्स मिल जाते हैं तो उसके अंदर जो है आपका जो स्ट्रगल कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है। उस टाइम पे भी जब वो बहुत अच्छा उसका वो हुआ था, क्या बोलते हैं, दौर था, तो उस समय भी उस स्ट्रगल तो उतना ही था, है ना। वो बात ये थी कि कुछ लोगों के जो था कि पैसे मिल जाते थे और कुछ लोग जो है उससे अलग हो जाते थे। तो फ्रीलांसिंग का मतलब तो ये, अभी भी ये भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मैं भी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तुम भी फ्रीलांसिंग कर रहे हो। हाँ, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो जॉब रहे या ना रहे, हाँ। और चूंकि आर्ट के अंदर ये 24 आवर जॉब है, 24 आवर एक फ्रीलांसर के लिए, इवन आर्टिस्ट के लिए, कोई किसी भी तरह का आर्टिस्ट कहीं पर भी जॉब कर रहा हो, अगर वो आर्ट के बारे में सोच रहा है तो वो फ्रीलांसिंग ही कर रहा है। तो अब क्या है कि परिभाषा, अगर हम उसको फ्रीलांसिंग की इस तरह से देखा जाए कि हम मॉनेटरी बेनिफिट अगर देखते हैं, कि फ्रीलांसिंग मतलब कि अगर मुझे कोई कमर्शियल वर्क मिलता है या मुझे कहीं पर इलस्ट्रेट करने का मौका मिलता है, उसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, अगर वैसा अगर हम सोच रहे हैं तो फिर वो हम एक अलग तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, और अगर हम फ्रीलांसिंग सोच रहे हैं, हम अपने काम को लेके
पेंटिंग्स को लेके, स्कल्पचर्स को लेके हम सोच रहे हैं, तो एक अलग तरीके का फ्रीलांसिंग हम सोच रहे हैं. क्योंकि मैंने भी कुछ कमर्शियल वर्क किए पोस्ट ऑफिस के अंदर, कहीं कहीं पर म्यूरल्स भी किए, तो उसके बदले में मेरे को पैसा मिल गया. लेकिन मेरा वो काम नहीं है, वो कुछ और था जो जिसके बदले में जो पैसा मिल गया. लेकिन ये जो बना रहे हैं या मैं जो बना रहा हूँ, जो हम चाह रहे हैं करना, उसमें हम सभी फ्रीलांसर हैं. ओके. तो हमारी परिभाषा फ्रीलांसिंग की मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, वो हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सभी फ्रीलांसर ही हैं. ओके. राहुल, आज कॉन्टेम्प्री कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्या डिजिटाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि एक चीज़ देखिएगा कि अभी अचानक कोविड के दौरान सभी ऑनलाइन शो करने के लिए जा रहे हैं. हाँ. मैंने काफ़ी लोगों को ये पूछा कि ऑनलाइन शो करना चाहते हैं, दे सेड नो, वी डोंट वांट टू बी देयर. एक फिज़िकल एग्जीबिशन का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, एक ऑनलाइन का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है. सो वेयर एग्जैक्टली यू फिट इन, वेयर एग्जैक्टली यू फील कम्फर्टेबल? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन एक एग्जीबिशन होता है तो क्या वो वही चीज़ को कर सकता है, वही इम्पैक्ट कर सकता है जो एक फिज़िकल एग्जीबिशन का हो सकता है? इज इट पॉसिबल? क्योंकि हम उस दौर से हैं जहाँ पे हमें डायरेक्ट रिएक्शन की उपेक्षा रखते हैं. कि इफ़ आई एम एग्जिबिटिंग समवेयर, आई वॉन्ट द ऑडियंस टू रिएक्ट टू माई वर्क. और डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब है कि फिजिकली आके वो रिएक्ट करें. अगर मैं डिजिटली उसमें जाता हूँ या डिजिटली करते हैं हम, तो उसमें हम वो उसका रिएक्शन एक इनविजिबल रहता है. उसमें इतना ज़्यादा रिएक्शन की संभावना कम होती है जब तक कि वो उसके नीचे कुछ लिखे ना कि हाँ मुझे ये काम अच्छे लगे या ये काम अच्छे नहीं लगे या ये काम में ये कमी थी या जो भी उसका अपना वो है कि जो क्रिटिकल वो एवोल्यूशन जो हो सकता था. एक्चुअल सेंस में नजर भी नहीं आता ना, नहीं आता. मॉनिटर सेटअप क्या है कंप्यूटर का जिसमें आप देख रहे हो या फोन में देख रहे हो, है ना. फोटोग्राफर आपने कैसे शूट किया है, किस कैमरा से, बहुत सारी चीज़ें कलर्स में साफ नजर नहीं आते, डिफरेंट हो जाते हैं. और डिजिटल फॉर्मेट जो है वो 2D फॉर्मेट है. यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ 3D. अगर आपको एक इंस्टॉलेशन देखना है, स्कल्पचर देखना है, तो मुझे लगता है कि फिजिकली देखना एक अलग चीज़ होता है. वो फिजिकली एंड एक्सपीरियंस दैट थिंग. क्योंकि हम उसी दौर से आए हैं, लेकिन चूंकि अब चीज़ें बहुत तरीके से बदल रही हैं, तो और ज़्यादातर इसलिए क्योंकि पैंडेमिक के दौर में हैं, पैंडेमिक दौर में हैं, एक सिचुएशन ऐसी हमारे सामने आ गई है. लेकिन जैसे ही ये पैंडेमिक का दौर ख़त्म होता है, फिजिकली एग्जीबिशन चालू हो जाती हैं. क्योंकि हम बेसिकली डायरेक्ट रिएक्शन चाहते हैं एक ऑडियंस के साथ, और डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते. बिल्कुल. तो इसी वजह से जो है हम जो है चाहते हैं कि ये खुले एग्जीबिशंस हों, और ये पैंडेमिक को कैसे भी कंट्रोल किया जाए या ख़त्म किया जाए, अगर ये ख़त्म हो सकता है तो. इन अ वे मैन एंड आर्ट शुड बी टुगेदर. यस, इट शुड बी. क्योंकि हम एक दूसरे को टच करते हैं. यू कैन फील एंड. हाँ, बिल्कुल. राहुल, एक सवाल और है. जैसे बहुत सारे आर्ट फेयर्स हो रहे हैं, इंडिया आर्ट फेयर है, इंडिया आर्ट फेस्टिवल भी है, बहुत सारे और भी होंगे, शायद मैं नाम ही नहीं ले पा रहा हूँ या मुझे याद भी नहीं होगा. हमारे कोची बिनाले भी है. क्या आपको लगता है इसकी कमी है या बहुत सारे बिनालेज हमारे पास होने चाहिए? क्योंकि बिनालेज देखिए, बहुत सारे बिनालेज चाइना में, बहुत सारे बिनालेज होते हैं यूरोप में, बहुत सारे बिनालेज होते हैं, बिनालेज ऑफ ड्राइंग्स भी होते हैं, अलग अलग चीज़ें होता है, अलग अलग कैटेगराइजेशन में वो बिनालेज होते हैं. क्या हमारे देश में जितने बिनाले हैं इतने काफ़ी हैं? जितने आर्ट फेयर हो रहे, क्या ये काफ़ी हैं? क्या आपको लगता है इसमें ज़्यादा होना चाहिए बढ़ोतरी, और पार्टिसिपेशन का ये क्या होना चाहिए? सिर्फ कोची बिनाले मतलब सिर्फ कोची में रह गया, ये हमारे नेशनल पैरामीटर में नेशनल एक इवॉल्वमेंट नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है. गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे बिनाले, एक बहुत टाइम बहुत पहले हुआ था, शायद फिनाले हुआ था ललित कला की तरफ से, बहुत सालों पहले याद करने में भी दिक्कत हो रहा है हमें कि कब हुआ था. तो ट्रिनाले के बाद कुछ नहीं हुआ. तो क्या आपको लगता है कि ट्रिनालेज एंड बिनालेज शुड बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक विथ ललित कला अकेडमी, एंड दिस शुड बी देयर इन ए वेरी रेगुलस वे, एंड इट शुड बी परस्यूड? मतलब उनको करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए इस चीज़ को. क्या समझते हैं आप? मेरे हिसाब से तो जब आप मूवमेंट की या रेवोल्यूशन की बात करें, हाँ,
तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी फेज हैं ये एक एक कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट. और जो सक्सेसफुली जो फेज हुए हैं, जैसे कि इंडिया फेज जो होता है, जो हर साल होता है ओखला में, राइट, वो इसलिए इतना सक्सेसफुल है क्योंकि उसमें कॉरपोरेट्स हैं. ये फेज जो है, क्योंकि ललित कला ने भी शुरू किया था एक लेवल पे, और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर उसको नेशनलाइज करना है तो. कला मेला के नाम पे शायद शुरू किया था, कला मेला के नाम पे शुरू किया था, वो लखनऊ में होना था इस बार, तो वो मेरे पैंडमिक की वजह से नहीं हो पाया जी. लेकिन अगर आप 80s के दौर में देखेंगे या 50s-60s के दौर में देखेंगे, तो सरकारें उनके अंदर आपको आर्टिस्टों को सपोर्ट कर रही थी, पुश कर रही थी, चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर थिएटर को, हिंदी थिएटर को लेके हुआ हो, या विजुअल आर्ट के अंदर जो चीज़ें हुई उसको लेके हुआ हो. तो बहुत ज़रूरी है कि हमें दोबारा से ट्रिनालेज, बिनालेज, एनुअल्स तो खैर होते हैं अभी भी, और दायरा उसका और बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए, और अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग चीज़ों को उसको समाहित करना चाहिए. सिर्फ एक लोकल स्टेट, लोकली उसको नहीं रखना चाहिए, उसको एक ट्रैवल करवा सकते हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं उसके अंदर, बिल्कुल. और जब तक कि वो मूवमेंट के हिसाब से नहीं होगा ना, तो आर्टिस्ट, जैसे कि पहले बोला था कि फ्रीलांसर हैं, तो वो आर्टिस्ट फ्रीलांसर ही रहेगा, स्ट्रगल ही करता रहेगा, राइट. तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से होना ज़रूरी है. कॉरपोरेट का तो है, कॉरपोरेट करता है अपने हिसाब से, और वो सक्सेसफुल भी है एक जगह पे जाके, लेकिन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही एग्रेसिवली होना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है. ओके.